हेलो फ्यूचर आइडियंस, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। आप सभी लोगों की जो ड्रीम आईआईटी जेई है उसकी बेड़ा पार लगाने के लिए एक छोटी सी प्रयास मैं कर रहा हूं आप लोगों के लिए कि आप लोगों को अपनी मंजिल जरूर मिले। ये मंजिल कैसे छोड़ दूं तुम्हें? तुम मेरी माँ की ख्वाब हैं, मैं अपनी माँ की ख्वाब को कैसे छोड़ दूं? क्योंकि मेरे घर पर मेरी माँ को मेरे जीत की इंतजार है। गाइस आइए ले चलते हैं आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री की दुनिया में। आज जो मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं ये ट्रिगोनोमेट्री की क्वेश्चन है, मैक्सिमम मिनिमम से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये हम लोगों की क्वेश्चन जेई एडवांस 2020 की क्वेश्चन है। आइए चलते हैं क्वेश्चन पर, आप लोगों के पास लेकर आते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपके सामने ऑन स्क्रीन डिस्प्ले है, बोल रहा है लेट एफ 0 to 2 टू रियल नंबर बी द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 3 - sin 2 πx sin πx - π/4 - sin 3 πx - π/4। इफ अल्फा बीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 आर सच दैट, कंडीशन दिया हुआ है एक्स बिलोंग्स टू 0 to 2 एफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इक्वल टू अल्फा बीटा, देन दी वैल्यू ऑफ बीटा माइनस अल्फा। हम लोगों को बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है मेरे दोस्त। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप जिस तरह चाहोगे इस क्वेश्चन को घुमाने के लिए क्वेश्चन उस तरह घूमेगी और आपको सॉल्व कर देनी है क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहां पर क्वेश्चन में जो आप देख रहे हो यहां पर 2 πx लिखी हुई है और यहां पर πx - π/4 है, 3 πx - π/4 है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए πx - π/4 को आप थीटा मान लो, थीटा मान लिया जनाब। अब यहां से πx की जो वैल्यू होगा ये थीटा प्लस कितनी होगी? π/4 होगी। बट मेरे को क्वेश्चन में चाहिए 2πx की वैल्यू, यहां पर देख रहे हो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 πx = 2θ + π/2 हो गई। चलिए अब जनाब 3π हम लोग को ऐड कर, इसको एक नंबर कर लो और इसको दो नंबर कर लो। 1 + 2 तुम करोगे मेरे दोस्त तो ये आ जाएगा 3πx इक्वल टू आ गया ये 3θ + π/2 + π/4 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3π/4। ये आ गई। अब हम लोगों को एक्सप्रेशन में पुट कर देनी है। क्या पुट कर देनी है एक्सप्रेशन में? ओ मेरे गैज, यहां पर देख लो हम लोग जो लिया है पाई एक्स ना, ये हम लोगों को ऐड करने पर कितना आ जाएगा? π/2 है और हम लोगों का ये थीटा है तो ये 3π/4, 3x के लिए 3π/4 + θ, ठीक है। प्लस गाइज हम लोगों का यहाँ पर क्या आ जाएगा? π/4 क्या आ जाएगा? π/4। देखो एक मिनट मेरे गाइज, इस क्वेश्चन में ये π/4 नहीं, ये π/4 नहीं हम लोगों का ये, चलिए इतना दोनों को ऐड कर दिया हम लोगों ने। ऐड करके आप देख लो सही से इस इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया ही है। बट मेरे को क्वेश्चन में जो है टर्म, इस टर्म के लिए बात करनी है और क्वेश्चन में यहाँ पर 3πx प्लस नहीं माइनस है क्वेश्चन में, एग्जाम में बच्चे प्लस, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं ऐड करते हैं 3πx + π/4 इक्वल टू 3θ प्लस ये है 3π/4 + π/4,
मेरे पीछे ये चीजें हिडेन हो रही है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, सारा चीजें आराम से दिख जाएगा आपको, ये पाई हो जाएगा अरेंज करने पर। ओके, मैं साइड हो जाता हूं, आप देख लो सारा चीजें अब आपको दिख गया होगा। ओके गाइस, तो इस तरह की जो भी टर्म है ना, आपको दिख गया होगा सारा चीजें, देख लो। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन की दुनिया में, क्वेश्चन को चेंज करने की दुनिया में। देखो यार, अपने लोगों को जो एफएक्स बोल रहा है ना, ये एफएक्स क्या होगा? अब एफएक्स इक्वल टू, देखो ये 3 है, 3 माइनस साइन साइन 2 पाई एक्स के जगह पे 2 थीटा प्लस पाई बाय 2 लिखूंगा, तो ये आ गया π/2 + 2θ, ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब इसमें इसको लाइनिंग कर लेते हैं अपने लोग। अब इसी में है साइन साइन, हम लोगों का π x - π/4 है, π x - π/4 को मैंने थीटा लिया है, ये थीटा माइनस साइन, ये है 3π x + π/4, जो कि हम लोग π + 3θ यहां पर देख रहे हैं। ओके गाइज, अब क्या करो, इसको सॉल्व करो, गौर से देखना मेरे दोस्त। ये 3 माइनस कितनी होगी, sin 90 + θ कितना होगा, cos θ, cos 2θ आ गया, और ये sin θ हम लोगों को ऑलरेडी है, माइनस ये sin π + 3θ कितना होगा, -sin θ, तो ये +sin 3θ आ गई। अब हम लोगों को इसको मल्टीप्लाई कर देनी है, जो भी टर्म यहां पर हम लोग देख रहे हैं इस टर्म को मल्टीप्लाई करके हम लोग आगे बढ़ाएंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो आप गौर से देखना, ये 3 sin θ, ये 3 sin θ -cos 2θ sin θ हो जाएगा, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, 3 sin θ -cos 2θ sin θ। तो यहां पर देखना, ये आ गया हम लोगों का 3 sin θ -cos 2θ (sin θ) +sin आ जाएगा हम लोगों का 3θ। ये मेरे दोस्त fx की वैल्यू हम लोगों का आ गया। अब इसे देखो हम लोग कैसे करते हैं, ये 3 sin θ रखते हैं, माइनस हम लोग ये cos 2θ रखते हैं, और ये sin θ रखते हैं। sin 3a का फॉर्मूला 3 sin a -4 sin q θ, और ये 3 sin θ और ये 3 sin θ कितनी हो गई, 6 sin θ। ओके, अब हम लोगों को क्या करनी है, -cos 2θ और sin θ, प्लस क्या है 4 sin q θ। आप यहां पर देख रहे हो कि इसमें sin θ कॉमन है, कर लिया, ये 6 - cos 2θ -4 sin²θ, ये टर्म हम लोगों का बन चुका। ओके, sin θ कॉमन लेने के बाद अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये टर्म जो बन गई है हम लोगों को 6, इसे ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, sin θ (6, cos 2θ) का फॉर्मूला लिख लेते हैं साइन वाली, तो ये क्या होगा, 1 - (+2sin²θ - 4sin²θ), तो आ गया ये हम लोगों की sin θ (ये 5 -2sin²θ, ये हम लोगों का बन गया। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में हम लोगों को बोल रहा है fx > or = 0, तो हम लोग जो यहाँ पर टर्म अप्लाई करेंगे तो ये हम लोगों को क्या होगी, sin θ (5 -2sin²θ) > or = 0। गाइज, आप सभी लोग जानते हो कि sin²θ की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, मिनिमम 0, तो ये ब्रैकेट क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इसका मतलब sin θ > or = 0
जीरो। आप सभी लोग जानते हो कि साइन का ग्राफ हम लोगों का ये है, और इस तरह से होता है, तो साइन थीटा की ये जीरो है और ये पाई है, तो हम लोगों का यही वैल्यू बना पॉजिटिव। तो हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे, थीटा बिलोंग्स टू जीरो से लेकर के पाई। ओके गाइज, बट थीटा हम लोग क्या माने थे, पाई एक्स माइनस पाई बाय फोर, ये पाई हुआ और ये टर्म हम लोगों का जीरो। एक्स की वैल्यू मेरे को चाहिए, पाई एक्स के लिए क्या होगा, ये पाई बाय फोर लेस देन इक्वल टू पाई एक्स लेस देन इक्वल टू पाई प्लस पाई बाय फोर, फाइव पाई बाय फोर, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल। तो ओवरऑल जो एक्स की वैल्यू आप देख रहे हैं, वन बाई फोर लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू फाइव बाय फोर, और ये टर्म हम लोगों को क्या है, एक्स बोल रहा है किसके बीच में, अल्फा और बीटा के बीच में, तो हम लोगों को बीटा माइनस अल्फा चाहिए, तो बीटा की वैल्यू फाइव बाई फोर माइनस अल्फा वन बाई फोर। ये सॉल्व करने पर क्या हो गया, वन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके गाइज, आप सभी लोग देख रहे हो कि इस क्वेश्चन की आंसर जो है वन राइट आंसर है। ओके थैंक यू।